हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम। हमने हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन की एक नई जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका ये रहा तीसरा वीडियो। और आपने अगर इसके पहले दो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच असहमति। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल की भारतीय सम्मेलनों को भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार वेवेल योजना असफल रही। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच असहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो बी एन राव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बी एन राव संविधान निर्मात्री सभा में संविधान सलाहकार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कौन सा दल निम्न में से शामिल नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो 208 सदस्य शामिल थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य शामिल थे और साम्यवादी दल के जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके एक सदस्य शामिल था, लेकिन हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, साम्यवादी दल भी संविधान सभा के विरुद्ध थे लेकिन उनसे एक सदस्य गया था, लेकिन हिंदू महासभा से कोई भी सदस्य नहीं गए थे, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसमें आस्था वर्ड है, ये वर्ड संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसमें भी आस्था वर्ड है, ये वर्ड भी संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसमें भी आस्था और पूजा ये दो वर्ड दे रहे हैं, ये वर्ड भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो हम गलत ना करें। जैसे अभी उसमें आस्था वर्ड, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि उसमें आस्था वर्ड था लेकिन संविधान की प्रस्तावना में आस्था वर्ड नहीं था, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जैक्ट वर्ड हम एग्जैक्ट प्रस्तावना तो याद नहीं कर सकते लेकिन उसके वर्ड हम कुछ ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ये वर्ड है कि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वर्ड हम याद रख सकते हैं, इनका क्रम याद रख सकते हैं। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर, ये कुछ कुछ वर्ड्स हम याद रख सकते हैं जो अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ इससे पहले एक बार प्रस्तावना ज़रूर पढ़ के जाएँ, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने
ये बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वह मुकदमा था बेरुबारी मुकदमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से अल्पकालिक सिद्ध हुआ था? तो जो भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय के लिए जो सिद्ध हुआ था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये छोटा इसलिए सिद्ध हुआ था क्योंकि इसी के 2 साल बाद इसका ही संशोधन एक्ट आ गया था, अमेंडमेंट एक्ट आ गया था 1786 में, और फिर जल्दी ही 1793 में चार्टर एक्ट आ गया था। इसलिए सबसे कम समय में रहने वाला जो संवैधानिक प्रयोग था वो पिट्स इंडिया एक्ट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्न में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की यह विशेषता थी कि उन्होंने सिखों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया था, लेकिन इससे पहले ही 1909 में मुस्लिमों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया था। इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दिए गए ऑप्शन में तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि 1919 में सिखों के लिए एक निर्वाचन मंडल बना दिया गया था जो धर्म संप्रदाय को प्रदर्शित कर रहा था और उनकी अलगाववादी प्रथा थी। तो इसलिए इन ऑप्शंस में 1990 सही होता है, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन चेंज करके आ जाते हैं तो आप 1909 सही कीजिएगा। तो अभी तो इसका ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। 1919 में सिखों के लिए एक अलग मंडल बनाया गया था और 1909 जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? मतलब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें प्रस्तावना को बताया किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रदर्शित किया था, मतलब प्रस्तावित किया था। और ये कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको प्रस्तावना को पहले उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, उसी को ही 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो प्रस्तावना बनाने या प्रस्तावित करने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो थे वो कैसे जोड़े गए, या क्या वे मूल संविधान का भाग थे? तो नहीं, वे मूल संविधान का भाग नहीं थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। 29th अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे? तो नहीं, 29th अमेंडमेंट में 9वीं सूची में संशोधन किया गया था। 42nd अमेंडमेंट में किया गया था, तो हाँ, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 42nd अमेंडमेंट में ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और ऑप्शन डी जो 44वां संशोधन है, इसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो ऑप्शन डी, हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा भारत की के संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में 42nd अमेंडमेंट में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। इसलिए भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये कौन बताता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना बताती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी? तो ये सभी ही यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायों की बर्खास्तगी, ये तीनों ही चीज़ें यूएसए के संविधान से ली गई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो पहला है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्वीक्षा जो अभी हमने ऊपर ऑप्शन में देखा, और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और उसका पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि या उनके बर्खास्तगी जो अभी हमने ऊपर फिर से ऑप्शन में देखा था, और वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें जो ली गई हैं वो यूएसए के संविधान से ली गई हैं। तो इनको एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इनसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो 1947 के बाद कई राज्य जो थे वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वो स्वतंत्र रूप से अपना एक अलग देश या राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो एक स्टार्ट किया जो 16 सितंबर 1948 को किया, और उसी दिन हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया। ये हैदराबाद ही नहीं स्वतंत्र रहना चाहता था, और उस समय तत्कालीन जो निज़ाम थे वो ओस्मान अली खान थे। तो इसका राइट आंसर तो हैदराबाद ही होगा, इसी को बलपूर्वक मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो किया गया था 16 सितंबर 1948 को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान है, पहला है संसदात्मक शासन प्रणाली, और जो कि अभी ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था, और एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों चीज़ें जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत के संविधान भारत को राज्यों का संघ कहता है, मतलब भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और ये आर्टिकल फर्स्ट के सब आर्टिकल फर्स्ट में है, मतलब आर्टिकल जो फर्स्ट है उसका भी सब आर्टिकल है फर्स्ट, तो उसमें वर्णित किया गया है कि भारत जो होगा वो एक राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में जो बताई गई थी तो वो थी सरस्वती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सामवेद संगीत को ही माना जाता है, मतलब संगीत हमारे जो भारतीय संगीत है और शास्त्रीय संगीत है उनका श्रेय सामवेद को माना जाता है, उसमें संगीत का ग्रंथ उसको माना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया? तो वैदिक युग के लोगों द्वारा सोना धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे माने जाते हैं? तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक पाणिनि को माना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनकी एक रचना है अष्टाध्यायी, ये भी पूछ ली जाती है, तो आप ये याद रखिएगा, इनको प्राचीन हिंदू विधि का लेखक भी माना जाता है, और इनकी जो रचना है वो अष्टाध्यायी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो लिखी है वो लिखी है विज्ञानेश्वर ने लिखी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में किस प्रकार की प्रथा का प्रचलन था? तो वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, अनुलोम विवाह होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अनुलोम विवाह कैसा होता था? उसमें वैदिक युग में वर्ण का भेदभाव नहीं होता था, मतलब उच्च वर्ण के पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर सकते थे, इसी को अनुलोम विवाह कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया था वो थे आर्य, उसके बाद यूनानी, फिर कुषाण और फिर हूण। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप ये क्रम याद रखिएगा, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो पहले आर्यों ने किया था, फिर यूनानियों ने किया था, फिर कुषाण और फिर हूण ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता था और कुमायूं को मानस खंड से नाम से जाना जाता था, और गढ़वाल और कुमायूं दोनों को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता था। तो अभी ऑप्शन में जो पूछा गया है वो है गढ़वाल, और गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे हैं? तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार, और इंद्र का मतलब होता है विश्व का स्वामी, या पुरंदर भी इंद्र को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो आपने भारत का प्रतीक चिन्ह देखा होगा जिसमें शेर की आकृति बनी हुई है, तो उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है जो सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है, ये किस से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ली गई ये लाइन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? हमको पता है कि 18 पुराण होते तो उनकी रचना किसने की थी? तो लोमहर्ष नामक ऋषि ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लोमहर्ष ने पुराणों की रचना की थी। ये है 18 पुराण। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्म वर्त पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये नाम एक बार आप पढ़ लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिए। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेली क्विज भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो चार आश्रम जो हैं वो जीवन के चरणों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में पाणिनि की का पढ़ा था कि हिंदू विधि के पहले जो लेखक रहे हैं, और इनकी ये जो विद्वान रहे हैं वो भाषा व्याकरण के विद्वान रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनकी रचना भी मैंने बताई है, अष्टाध्यायी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा